प्रश्न 25 एगमार्क एक भारत में कब लागू किया गया? सही जवाब 1937 में। प्रश्न 26 भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? सही जवाब गंगा की डॉल्फिन। प्रश्न 27 किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? सही जवाब जापान। प्रश्न 28 तोपचाची अभयारण्य कहाँ स्थित है? सही जवाब धनबाद झारखंड। प्रश्न 29 लावा लौंग अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? सही जवाब चतरा में झारखंड। प्रश्न 30 उद्वा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सही जवाब साहिबगंज में झारखंड। प्रश्न 31 जल में अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? सही जवाब न्यूट्रोफिकेशन। प्रश्न 32 राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभयारण्य है एवं जल पक्षियों का स्वर्ग है वह कहाँ पर स्थित है? सही जवाब भरतपुर में। प्रश्न 33 महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? सही जवाब सह्याद्री। प्रश्न 34 बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब गया। प्रश्न 35 कौन सी नदी झारखंड के खमार पार्क से निकलकर हुगली नदी में मिलती है? सही जवाब दामोदर नदी। प्रश्न 36 विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब 22 मार्च को। प्रश्न 37 बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सही जवाब शहडोल मध्य प्रदेश। प्रश्न 38 जंतु एवं वनस्पति पर्यावरण है? सही जवाब जैविक पर्यावरण। प्रश्न 39 पृथ्वी वायु एवं जल किसके संगठक है? सही जवाब अजैविक। प्रश्न 40 पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं क्या कहलाता है? सही जवाब भूमंडल। प्रश्न 41 किशोरों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अभियान का नाम क्या है? सही जवाब इको क्लब। प्रश्न 42 विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी? सही जवाब बीट एयर पॉल्यूशन वायु प्रदूषण को हराएं। प्रश्न 43 पृथ्वी को क्या कहा जाता है? सही जवाब नीला ग्रह हरा ग्रह। प्रश्न 44 विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का होस्ट देश कौन था? सही जवाब चीन। प्रश्न 45 विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का होस्ट देश था? सही जवाब भारत। प्रश्न 46 विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? सही जवाब बीट प्लास्टिक प्रदूषण। प्रश्न 47 वायु और जल के सबसे खराब रूप की पहचान कहां पर की गई है? सही जवाब औद्योगिक क्षेत्रों में। प्रश्न 48 पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? सही जवाब नाइट्रेट के रूप में। प्रश्न 49 फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? सही जवाब फ्लोरिकल्चर। प्रश्न 50 हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? सही जवाब प्रकंद। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी।